जय श्री महाकाल दोस्तों, ज्योतिष जगत के संगम में आपका स्वागत है। दोस्तों, दिनांक 28 मार्च सन 2021 को होलिका दहन का शुभ पर्व मनाया जाएगा। इस संगम में हम जानेंगे कि उसका शुभ मुहूर्त क्या है। इसके साथ ही हम ये भी देखेंगे कि इस दिन कौन कौन से उपाय हमको करना चाहिए जिससे हमारी सभी प्रकार की समस्याएं समाप्त हो सके, चाहे वो धन से संबंधित हो, परिवार से संबंधित हो, स्वास्थ्य से संबंधित हो, सभी प्रकार की समस्याएं हम समाप्त कर सके। ऐसी कौन कौन से उपाय हम इस वर्ष कर सकते हैं, तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। ज्योतिष जगत बाय देव निरंजन। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में चार प्रकार की रात्रियों का विशेष महत्व माना जाता है, जिसमें से होलिका दहन की जो रात्रि रहती है वो काफी प्रभावपूर्ण मानी जाती है। इस दिन यदि आप कोई सा भी प्रयोग करते हैं या कोई सा भी मंत्र का जाप करते हैं तो वो अवश्य सिद्ध होता है। इसलिए होलिका दहन की रात के उपाय आपको इस वीडियो में आगे बताए जाएंगे, जिसको करने से आपका जीवन सुखमय बीते और आपकी सभी समस्याओं का निवारण हो सके। दोस्तों, सन 2021 में 28 मार्च को होलिका दहन किया जाएगा। पूर्णिमा तिथि 3:27 से शुरू हो जाएगी 28 मार्च को, और उसका जो अंतर रहेगा वो 12:17:29 तक रहेगा। और होलिका दहन का जो शुभ मुहूर्त निकलता है वो 28 मार्च की शाम को 6:37 से रहेगा, जो 8:56 तक रहेगा। तो 6:37 से 8:56 के बीच में होलिका दहन आप कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि होलिका दहन की रात को हमको कौन कौन से विशेष उपाय करने चाहिए जिससे कि हमारे सभी प्रकार के बिगड़े हुए कार्य आसानी से सिद्ध हो सके और हमको विष्णु जी की कृपा प्राप्त हो सके और हम और हमारा परिवार उन्नति कर सके और हमको धन की प्राप्ति हो, यश की प्राप्ति हो और स्वास्थ्य और सम्मान की प्राप्ति हो सके। घर के प्रत्येक सदस्य को होलिका दहन में देसी घी में भीगी हुई 2 लौंग, 1 बताशा और 1 पान का पत्ता अवश्य चढ़ाना चाहिए। होली की 11 परिक्रमा करते हुए होली में सूखे नारियल की आहुति देना चाहिए, इससे सुख समृद्धि बढ़ती है तथा कष्ट दूर होते हैं। होली पर पूरे दिन अपने जेब में काले कपड़े में बांधकर काले तिल रखें, रात को जलती हुई होली में उन्हें डाल दें। यदि पहले से ही कोई टोटका किया हुआ होगा तो वह भी खत्म हो जाएगा। होली दहन के समय 7 गोमती चक्र लेकर भगवान से प्रार्थना करें कि आपके जीवन में कोई शत्रु बाधा न डाले। प्रार्थना के पश्चात पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ गोमती चक्र दहन में डाल दें। होली दहन के दूसरे दिन होली की राख को घर लाकर उसमें से थोड़ी राई और नमक मिलाकर रख लें। इस प्रयोग से भूत प्रेत या नजर दोष से मुक्ति मिलती है। होली के दिन से शुरू करके बजरंग बाट का 40 दिन तक नियमित पाठ करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। यदि व्यापार या नौकरी में उन्नति न हो तो 21 गोमती चक्र लेकर होली दहन के दिन रात्रि में शिवलिंग पर चढ़ा दें। नवग्रह बाधा के दोष को दूर करने के लिए होली की राख से शिवलिंग की पूजा करें तथा राख मिश्रित जल से स्नान करें। होली वाले दिन किसी गरीब को भोजन अवश्य कराएं। होली की रात्रि को सरसों के तेल का 4 मुखी दीपक जलाकर पूजा करें और भगवान से सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। इस प्रयोग से बाधा निवारण होता है। यदि बुरा समय चल रहा हो तो होली के दिन पेंडुलम वाली नई घड़ी पूर्वी या उत्तरी दीवार पर लगाएं। परिणाम आप स्वयं देखेंगे। राहु का उपाय, 1 नारियल का गोला लेकर उसमें अलसी का तेल भरकर उसी में थोड़ा सा गुड़ डालें, फिर उस नारियल के गोले को राहु से ग्रस्त व्यक्ति अपने शरीर के अंगों से स्पर्श करवाकर जलती हुई होलिका में डाल दें। पूरे वर्ष भर राहु से परेशानी की संभावना नहीं रहेगी। मनोकामना की पूर्ति हेतु होली के दिन से शुरू करके प्रतिदिन हनुमान जी को 5 लाल पुष्प चढ़ाएं, मनोकामना शीघ्र पूर्ण होगी। होली के प्रातः बेल पत्र पर सफेद चंदन की बिंदी लगाकर अपनी मनोकामना बोलते हुए शिवलिंग पर सच्चे मन से अर्पित कर दें। बाद में सोमवार को किसी मंदिर में भोलेनाथ को पंचमेवा की खीर अवश्य चढ़ाएं, मनोकामना पूर्ण होगी। स्वास्थ्य लाभ हेतु मृत्यु तुल्य कष्ट से ग्रस्त रोगी को छुटकारा दिलाने के लिए जौ के आटे में काले तिल एवं सरसों का तेल मिलाकर मोटी मोटी
रोटी बनाए और उसे रोगी के ऊपर से 7 बार उतारकर भैंस को खिला दे। यह क्रिया करते समय ईश्वर से रोगी को शीघ्र स्वस्थ करने की प्रार्थना करते रहें। व्यापार लाभ के लिए होली के दिन गुलाल के एक खुले पैकेट में एक मोती शंख और चांदी का एक सिक्का रखकर उसे नए लाल कपड़े में लाल मूली से बांधकर तिजोरी में रख दे। व्यवसाय में लाभ होगा। होली के अवसर पर एक एकाक्षी नारियल की पूजा करके लाल कपड़े में लपेट कर दुकान में या व्यापार स्थल पर स्थापित कर दें। साथ ही स्फटिक का शुद्ध श्रीयंत्र रखें। उपाय निष्ठापूर्वक करें। लाभ में दिन दुनी और रात चौगुनी वृद्धि होगी। धन हानि से बचाव के लिए होली के दिन मुख्य द्वार पर गुलाल छिड़कें और उस पर द्विमुखी दीपक लगाएं। दीपक जलाते समय धन हानि से बचाव की कामना करें। जब दीपक बुझ जाए तो उसे होली की अग्नि में डाल दें। दुर्घटना से बचाव के लिए होलिका दहन से पूर्व 5 काली गुंजा लेकर होली की 5 परिक्रमा लगाकर अंत में होलिका की ओर पीठ करके 5ों गुंजाओं को सिर के ऊपर से 5 बार उतारकर सिर के ऊपर से होलिका में फेंक दें। होली के दिन प्रातः उठते ही किसी ऐसे व्यक्ति से कोई वस्तु न लें जिससे आप द्वेष रखते हों। सिर ढककर रखें। किसी को भी अपना पहना वस्त्र या रुमाल न दें। इसके अतिरिक्त इस दिन शत्रु या विरोधी से पान, इलायची, लौंग आदि न लें। ये सारे उपाय सावधानीपूर्वक करें, दुर्घटना से बचाव होगा। आत्मरक्षा हेतु किसी को कष्ट न पहुँचाएं, किसी का बुरा न सोचें और बुरा न करें, आपकी रक्षा होगी। अगर आपके घर में कोई शारीरिक कष्टों से पीड़ित है और उसको रोग छोड़ नहीं रहा है तो 11 अभिमंत्रित गोमती चक्र बीमार व्यक्ति के शरीर से 21 बार उतारकर होली की अग्नि में डाल दें। शारीरिक कष्टों से शीघ्र मुक्ति मिल जाएगी। अगर बुध ग्रह आपकी कुंडली में संतान प्राप्ति में बाधा डाल रहा है तो किसी भी बच्चे वाली गरीब महिला को होली वाले दिन से शुरू करके 1 महीने तक हरी सब्जियां दें तथा माता वैष्णो देवी से संतान की प्रार्थना करें। शीघ्र विवाह हेतु जो युवा विवाह योग्य हैं और सर्वगुण संपन्न हैं फिर भी उनकी शादी नहीं हो पा रही है तो यह उपाय करें। होली के दिन किसी शिव मंदिर जाएं और अपने साथ 1 साबुत पान, 1 साबुत सुपारी एवं हल्दी की गांठ रखें। पान के पत्ते पर सुपारी और हल्दी की गांठ रखकर शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके बाद पीछे देखे बिना अपने घर लौट आएं। यही प्रयोग अगले दिन भी करें। इसके साथ ही समय समय पर शुभ मुहूर्त में यह उपाय किया जा सकता है। जल्द ही विवाह के योग बन जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी होलिका दहन से संबंधित संक्षिप्त जानकारी। होलिका की रात्रि को महारात्रि भी कहा जाता है, अतः इस रात्रि का अत्यधिक महत्व है। इस रात्रि में की गई प्रार्थना तथा प्रयोग निश्चित रूप से अत्यंत प्रभावशाली सिद्ध होते हैं। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना तथा सोशल मीडिया पर शेयर करना न भूलें। ज्योतिष शास्त्र से संबंधित यदि आपका कोई सा प्रश्न हो तो हमें कमेंट अवश्य करें। आगामी अंक में आपको ज्योतिष से संबंधित अन्य जानकारियाँ भी दी जाएगी। तब तक के लिए जय श्री महाकाल।